लेडीज <laughs> <जी>। एंड <laughs> आपने फोन में लगी हुई है नहीं नहीं तुमने बोला ही नहीं वन टू थ्री वन टू थ्री बोलना बहुत बहुत शुक्रिया आप टेक ओवर करना जैसे नहीं, नहीं मैं नहीं करूंगी ये तुम्हारा है दिस इज यस मैं देखू तुमने क्या होमवर्क किया है मैंने पूरी रिसर्च किया है ऐसे हल्के थोड़ी है पूरा can... मैंने हाँ हाँ ऐसे जैसे तुम बड़ी कोई ना सा, साइंटिस्ट हो ना जैसे उस पर रिसर्च करते हैं oh, wow. मैं पूरा गूगल किया है मेरी uh -huh. हिस्ट्री निकाली है टक 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 तो नहीं किया ना जूम इन नहीं इम, 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 इमेजेस में ही टेक्स्ट में ही देख रहा था मैंने सिर्फ पूछा जूम इन क्या या नहीं कोई जूम इन नहीं ओके दैट्स इट अच्छी बात यू नो दैट्स ऑल आई हैड टू हियर बेगम भी यहाँ है ना इसलिए तो <laughs> <laughs> अच्छा तो मैंने जो हाँ। की, उसमें मुझे अब तो दिल चाह रहे मैं यहाँ ना टैटू कर लू है ना आ गई जिम्बाबे से की <laughs> हाँ। लेकिन ले, ये बताओ मैं कह रहा था की भाई वहां से अगर यहाँ पे आ गई

तो हम रातों hmm. रात, रात बगैर पैकिंग कुछ नहीं घर को यूँ ही छोड़ कर आए अच्छा या एंड सो फार कैसा रहा है पाकिस्तान फॉर यू अच्छा रहा है यार इट्स गुड इट्स गुड पाकिस्तान इज़ इट्स डिफरेंट इट्स लाइक अगर आप पाकिस्तान में सर्वाइव कर लो आप कहीं पर भी बन सकते हो कुछ तो हाँ ये है मैं हमेशा बोलती हूँ पाकिस्तान ने मुझे हरामी बना दिया <laughs> <laughs> कोई टिप्स ले दो पाकिस्तान में सरवाइव करने के हरामी बनने के uh, नहीं मैं सिर्फ ये बोलूँगी दैट आई थिंक वक्त के साथ है ना इंसान को सीखना चाहिए एंड वक्त बहुत बड़ा लेसन आपको सिखाता है और आपको uh, अगर आप सीखते नहीं हो मतलब जिस तरह क्लास में अगर आप पास नहीं होते हो ना तो hmm. आप उसी क्लास को रिपीट करते हो hmm. इसी तरह लाइफ में अगर आप चंद चीज़ों का कैच नहीं करते तो आप उसी जोन में उसी लेवल पर अटके रहते हो सो इट्स इट्स वेरी जरूरी आप यू शुड लिसन टू योर सेल्फ टू सेल्फ एंड ऑल्सोर्स इज ना हाँ हूँ वॉलपेपर ही बता रहा होता है <laughs> मुझे आज इसकी साइंस ना हाँ, ये इस जो आपका शाहिर मेड इट एंड इट्स 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 समथिंग दैट यू नो मैनिफेस्टिंग लोग इस चीज़ पर यकीन नहीं करते हुँ. लेकिन वो होता है आप जो एनर्जीज अपने अंदर रखते हो जो आप अपने दिमाग में चीजें uh, लेकर चल रहे होते हो वही चीज़ें आपकी तरफ आती हैं

एग्जिस्ट होती है बट मैं थोड़ा सा इस पर देखा था तो मैं थोड़ा सा किस्म का गाया हूँ अप्रोच हुए तो दे से देर नो एनी साइंटिफिक एविडेंस के भाई स्टार्स के मूव करने से दे रिफ्लेक्ट ऑन योर लाइफ एंड देर डेस्टिनी एक बात बताऊं hmm. डेस्टनी चेंज करना hmm. इंसान के फैसलों पर होता है इंसान पर होता है आप एक अमीर बाप के बच्चे मतलब एक बादशाह बनकर भी आप फकीर बन सकते हो अगर आप चुतियापा करो ठीक है और आप hmm. फकीर बनकर भी एक बादशाह बन सकते हो अगर आप सही चीजों पर चलो अब आप बोलते हो देखो स्टार्स एनर्जी प्लान्स सूरज है ना ठीक hmm. है जब इंसान बीमार होता है ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं बच्चा पैदा भी होता है तो वो एक होता है ना कि हम बोलते हैं कि यार इसको थोड़ा सा सनी सन बात दो राइट hmm. विटामिन डी ज़रूरी है राइट एट द सेम टाइम अगर आप ये देखना डेट uh, जब चांद पूरा होता है समंदर की लहरें बड़ी हो जाती है राइट right? Right, हाँ. राइट और जो लोग मेंटली uh, डिस्टर्ब होते हैं उनको भी अलग कर दिया जाता है यू you टाइम्स know, okay. hmm. तो देखो हर प्लानट की एक एनर्जी है हाँ है, मिल्कुंण. ठीक है और वो एनर्जी हर इंसान के लिए रिफ्लेक्ट करती है आप जिस चीज पर पैदा हुए हो ठीक है वो आपका तय करता है कि आप कौन सा स्टार uh, आपके लिए बेनिफिशियल आप चाहे लोगों को मिलते हो hmm. जिस तरह लोग बोलते हैं कि एक uh, अच्छी बीवी से अगर इंसान शादी कर ले तो आपका पार्टनर अच्छा हो या लड़की एक अच्छे लड़के से शादी कर ले तो उसका लक बढ़ जाता है और कभी आप एक गलत इंसान से शादी कर लेते तो आपकी एक होती है मनूषियत आ जाती है तो यू नो दीज आर ऑल एनर्जीज जब right. दो पॉजिटिव एनर्जीज मिलती हैं तो एक बू बूस्ट मिलता है एक दूसरे को राइट अगर एक मनुज आपने देखा होगा कोई कभी कभी ऐसा होता है आप किसी एक बंदे के सामने अपना काम बोलो वो अच्छा खासा काम बिगड़ जाता है फिर इंसान बोलते हैं नज़र ये वो इट्स जस्ट दैट कभी कभी आ, कुछ लोग के अंदर एक वॉइड जैसी एनर्जी होती है कि वो आपकी कोई अच्छी चीज़ को सेकंड कर लेते हैं दे जस्ट यू नो वो एक भारी कदम वाले लोग होते हैं, जिनको खुद भी नहीं पता होता दैट वो इस चीज़ से गुजर रहे होता है जो उस चंद लोग फिर बोलते हैं यार ये बड़ा मनुष्य है या कभी कभी आप किसी के साथ बैठते हो लेकिन आपकी उनके साथ इतनी बनती नहीं है आप बिल्कुल बात नहीं करते हो और कभी कभी आप किसी को पहली दफ़ा तो मिलते हो हुँ. और ऐसे लगता है कि आप सालों के दोस्त हो यू नो सो एनर्जीज़ मैटर यू बिलीव इन एनर्जीज एंड दैट इज़ हाउ पीपल बिहेव और जैसे प्लान्स को ही जो है वो एसोसिएट कर देते हैं uh, लोग अपनी तबीयत से तो उसका क्या सीन होता है मतलब एसोसिएट अपनी तबीयत के वो कहते हैं ना भाई मेरा क्या आ, क्या होता है मेरा फलाना प्लेनेट है मेरा फलाना प्लेनेट देखो है, एक बात बता व्हाट इज ऑल दिस पीपल लाइक आई एम अ सर्टेन ग्रुप पर्सन ठीक है यही मैं बोलना चाहता इसका मतलब मैं पैदा हुई थी और जो जब जब मैं पैदा हुई होंगी ठीक है तो यू हैव टू राइट द एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट टाइम एंड एग्जैक्ट लोकेशन उससे आपको स्टार्स की जो उस वक्त पोजिशन थी वो पता चलता है जो आपका फर्स्ट हाउस में जो स्टार बैठा हुआ होता है या कोई भी प्लानट होता है वो आपका रूलिंग प्लानट हो जाता है उस प्लानट का आपकी लाइफ है कैसा किस तरह अफेक्ट मतलब उस प्लैनेट का अफेक्ट ये होता है सैटर्न इज अ वेरी ओल्ड मूविंग प्लैनेट इट्स अ वेरी बैलेंस्ड प्लैनेट इट्स अ वेरी कर्म का वो रिप्रेजेंट करता है तो जो अच्छा। जो लोग सैटर्न के ग्रुप में होंगे अगर आप देखो वो शायद आ, द, द, वो आप तो मेरी अपनी कुंडली दिखाने पड़ेगी लेकिन आप ज्यादातर देखो जितने भी सैटर्न के लोग हैं उनकी नेचर में या कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में वो बड़े अंदर से यू नो ओल्ड सोल्स होते हैं एंड देर वेरी स्केड ऑफ़ कॉर्मा मतलब खुदा का डर कुछ ज़्यादा ही होता है यू नो सो ये इस तरह लोग रिप्रेजेंट होते हैं अलग अलग चीज़ से वीनस के भी लोग हैं यू नो देर डिफरेंट जुपिटर के अलग लोग होते हैं तो इस तरह आपके रूलिंग प्लानट जो है मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं हूँ जमाल इज द एस्ट्रोलॉजिस्ट मैं वो मेरी रीडिंग करता है माशाल्लाह दस साल से और वो इज़ अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड बिकॉज वो मुझे एक एक चीज़ बताता है अच्छा अच्छा कि देखो जब ये चीज़ चलेगी तभी ये होगा देखो एक, एक एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कभी कभी लाइफ में हम गलत वक्त पर मेहनत कर रहे होते हैं और जब वक्त एक्चुअली शुरू होता है हम मेंटली और इमोशनली ड्रेनड होता है तो वो वक्त ज़ाया हो जाता है ठीक है हाउ डू वी नो कि दिस इज द राइट टाइम दैट्स हाउ एन एस्ट्रोलॉजिस्ट हेल्प्स यू लाइक आई सेड एस्ट्रोलॉजिस्ट इज़ लाइक अ गूगल मैप ठीक है वो आपको बता सकता है यहाँ डिचेज हैं यहाँ ड है यहाँ एक बिजी स्ट्रीट है और इतने टाइम में आप उतने टाइम तक जा सकते हो अब आपके हाथ में गाड़ी है hmm. आपको गाड़ी गोल गोल घुमानी है नहीं घुमानी आपके ऊपर है ही जस्ट यू लोग कहते हैं कि बड़ी कॉमन सी बातें करते हैं वो जो सब रिलेट कर सकते हैं वेल आई डोंट नो सब जो मेरे दोस्त है ही वेरी लॉन्ग टाइम एंड उन्होंने मुझे बेसिकली हर एक चीज पर हेल्प आउट किया है गाइड किया है रोका भी है कभी कभी ये भी बोला है तुम्हारे वक्त ने ये वक्त से पहले क्यों हर चीज़ ट्राई कर रही हो ड ठीक like okay, no. yes, like है अब वो ये बोलेंगे कि बारिश होने वाली है तो वो मुझे बोलेंगे छाता लेकर जाओ बारिश तो yeah. होगी बारिश तो कोई नहीं रोक सकता लेकिन आप छतरी तो ले सकते हैं ना

लाइफ इज टीचिंग मी अ लेसन और मैं वो लेसन को सीख नहीं रहती तो इट इट कैप्ट मी इन वन क्लास क्लास वन मुझे आगे ही नहीं बढ़ने दिया एंड देन आई रियलाइज दैट ये मेरी चीजें बदलनी है मुझे यू नो लाइफ में लोग बोलते हैं दैट यू नो डूफा नो दैट इज़ नॉट द पावर यू नो द पावर इज बींग अ डिसिप्लिन पर्सन यू हैव टू डिसिप्लिन योर सेल्फ If you're a disciplined human, you're a good human, you know. So discipline बहुत मुश्किल होता है Eventually ये पता लग ही जाता है कि बग़ैर discipline के कोई सीन नहीं है हाँ मतलब मैं अपनी मिसाल दूँ तो मैं बड़ा ही messy इंसान था शुरू से हाँ हाँ बट ये कि life के, के जो ना इस तरह के बन जाते हैं हालात के आपको सीधा होना ही पड़ता है आपको self discipline आना पड़ता है बट उस चीज़ पर यू सेइंग आपको लाना पड़ता दे आर पीपल जो नहीं लाते मरते दम हाँ, तक नहीं लाते, नहीं लाते। और फिर वो उनका वक्त बुरा से बुरा बुरा से बुरा होता ही जाता है वो तो जो नहीं सीख लेते जिंदगी से तो फिर उनका यही सीन होना ही होता है यस yes, और किसी एक इंसान ने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बोली थी जिंदगी में एक दफ़ा एक अमीर गरीब हर इंसान को बहुत चपेड़े खानी होती है लाइफ से मेरी चल तो, रही है, नहीं। <laughs> तो अच्छी बात ये होती है और किस्मत की बात वो होती है जो लोग जवानी में आ, ये चपेड़े खा लेते हैं क्योंकि वो आ, अपने यू नो हड्डे गुड्डी अपनी ताकत में उस चीज़ को फेस भी कर रहे होते हैं और वो अपना बुढ़ापे को बेहतर बना सकते हैं वरना ये ही वक्त अगर आपके बुढ़ापे पर आए तो अल्लाह न बहुत ही

बट ये है अच्छा थोड़ा सा हमने ना असल में जैसे ये है दिस इज एस्ट्रोलॉजी राइट एस्ट्रोलॉजी या हमने इनकी हमने एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ी थी और एस्ट्रो astro, एस्ट्रोनॉमी पढ़ी थी हाँ hmm. बल्कि साइंस पड़ी थी इनकी okay. ये नहीं पढ़ा था कि हाउ दे इफेक्ट योर लाइफ और ये जो अलग इसकी बिल्कुल साइंस है ये हमने इसका कोई कुछ भी नहीं पढ़ा था इसलिए मैं हमेशा थोड़ा ना क्यूरियस होता हूँ स्पेशली तुमसे मिलके कि यार ये क्या है सीन ये क्या सीन है ये ना मैं तुमने ऑफ द कैमरा ये जरूर oh. तुमसे <laughs> पूछूंगा जरा ना ज्योतिषी ओन तो मेरी <laughs>

बॉलीवुड में भी तुमने काम किया है कुछ um, हाँ है ना आई विजिटेड इंडिया यस मैं वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा जानना चाहूँगा कैसा था क्या फर्क है यहां? यार आप इसकी बात है ब्यूटीफुल प्लेस लवली पीपल अच्छे अखलाक आई विल से जितने लोगों से मैं मिली हूँ यू नो बंदा बोले शीडी या ऐसे कुछ नो no. लेकिन किस्मत मेरे साथ उस वक्त लाइफ like सेट किस्मत साथ नहीं थी सही। इतने ऑडिशंस किए ये किया वो किया जब फाइनली इतनी वहाँ रह कर पैसे ज़ाया कर कर बहुत सारी चीज़ों कर कर जब फाइनली एक रोल मिला हाँ। तो मुल्क ने बोला लो जी चिकन चीज रोल और निकलो यहाँ से आई थिंक सॉन्ग था ना वो कोई या yeah, गुलाब गैंग में आई वाज अबाउट टू डू एन आइटम नंबर एंड मैं एक और लक्ष करंट जो है वो नहीं वो वो, वो तो वो पंजाबी चंद्र अच्छा। चंद्रीगढ़ में हमने शूट किया था वो एक पंजाबी मैं बॉलीवुड की बात कर रही हूँ okay. तो दैट वज ऑफ अनुभव सेना एंड फिर मेरी एक uh, इश्केरी एक फिल्म भी थी नील नितिन मुकेश के साथ वो भी लॉकडाउन हुई थी लेकिन देन वेंट इन द बिन हर चीज़ चली गई हम पाकिस्तान आ गए तो पाकिस्तानियों का <laughs> रिएक्शन अच्छा <laughs> नहीं था उनको लेके किन चीज़ों को लेकर ऑफकोर्स uh, मुल्क में uh, मसले हुए थे दे बैंड आज वी वो नॉट अलाउ टाउन देयर एंड वी हैव टू लीव वो सी ये थोड़ा जो है मतलब मतलब मैंने भी बोला जब हमारे काम करने का मौका आया हां यार हा? <laughs> तीन महीने हम घिस रहे थे अपने आप को ऑफ कोर्स यू गो टू स्टूडियोज यू गो फॉर डेटशंस यू नो सही एंग्जायटी होती है पैनिक होता है मीटिंग पीपल दैट्स अ डिफरेंट थिंग एंड देन इतनी मुश्किलों से एक अच्छी न्यूज़ मिलती है और विद इन सेवन डेज वो न्यूज़ एक बैड न्यूज़ बन जाती है यू लाइक mm, like बड़ा बुरा हुआ था yes, पाकिस्तानी आर्टिस्ट को निकाला था कि भाई जाओ yes. अपने और जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो तो मेरे ख्याल से सपोर्टिव हैं तुम तो कही हो शायद पता हो तुम्हारा लेकिन बस वो सरदूं की तरफ जो हाँ, चलती है ना लेकिन एक चीज ये, ये है, है, है एक पहले तो बार एक चीज ये है मैं बहुत फैन मोमेंट में होती हूँ लेकिन मुझसे जाकर ये नहीं बोला जाता आई वांट अ पिक्चर मेरी ज़बान है ना यहाँ आ जाती है आई वांट अ पिक्चर आई आई कांट से दैट तुम बैठे हुए होंगे बात कर होंगे hmm.

<laughs> 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 मेरे दिमाग में बोला हम नहीं हिल रहे करना है जो कर लो <laughs> <laughs> आपकी तरफ भी तो आते हैं ना लोग हाँ? आपकी तरफ भी तो आते हैं ना लोग हाँ वो आते होंगे लेकिन ये एक बहुत ही गंदी आदत है और लोगों को दूर से पता क्या लगता है एटीट्यूड इसका देखो सीरिया इसके गले में यू नो आई एम वेरी वियर्ड एट टाइम्स आई एम अ वियर्ड

एंड आई ट बुके एंड मैंने सोचा सरप्राइज़ करूँगी वहाँ किसी एक इंसान ने मुझे देख लिया और बोला मैम हम मैं आपको हेल्प करता हूँ यू नो हेल्प यहाँ पर तो बुके इन एवरी थिंग टुक सेट ओके मैम इतना हेल्प किया आपको एक छोटी सी एक पिक्चर हो जाए मैंने बोला श्योर उस कुत्ते ने बुके भी पकड़ा होता है एक पिक्चर ली मैंने बोला आई मेरे दिमाग में था भी नहीं मैं समझ गया कुत्ते ने जाकर पोस्ट कर दिया

यहाँ पे केचप लगी हुई है हाँ. <laughs> और मैं बैठा हूँ इस्लामाबाद में आया उससे दूसरे जगह रजा भाई, रजा भाई। अब मुझे समझ नहीं आता मैं उसको क्या बोलू ना कंसोल करूं क्या करूं फैन भी बड़ा है बाद में बहुत बड़ा गोल भी करो ऐसे लगा दो अब गोल गुम उसको नहीं और फिर उसने क्या कह रहा फोटो फोटो मैं ले लूँ अब उसने कैमरा ऑन किया और कैमरा जो है वो रियर वाला वो ऑन है कब से ऑन है उसको देख रहा है मैं वो भाई आगे वाला फ्रंट ऑन करना होता है उसको कोई होश नहीं थी बिल्कुल भी जीरो और आके जो ना इस तरह लुतड़ पतड़ हो रहा था बस एक ये और दूसरा एक बंदा मुझे हॉस्पिटल में मिला Yeah. मैं अपने दोस्त को तसल्ली दे रहा था क्योंकि उसके फादर जो था वो डेथ बेड पे था oh तो बड़ा रो रहा था बड़ा उदास था वो <clears throat> अब मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूँ उसको हिम्मत दे रहा हूँ एक बंदा है मेरे हॉस्पिटल में।, में एक बंदा है कहता है राधा भाई सेल्फी देखा यार तो देख नहीं रहे सामने मेरे बंदा रो रहा है हॉस्पिटल हाँ। में हम हैं हाँ। मेरे सामने एक बंदा रो रहा है इससे क्या समझ आ रहा है तुम्हें कि हम बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं किसी की कुछ गलत हुआ होगा ना हॉस्पिटल में तो ये कोई टाइम है फिर उसको तो मैंने थोड़ी सुना दी मैं यार थोड़ा तरीका होता है ऐसे नहीं भाई ना 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 हाँ ना मैं मैं अब आई डू नॉट टेक पिक्चर्स विद सिंगल पीपल मैं बहुत दफा हम जाते थे तो दुबई में भी बंदा पिक्चर ले ले अब uh, क्लब में एक पिक्चर ले ली

कैप्शन <laughs> सही कर नहीं। भाई कैप्शन अब मैंने एक चीज रख दी है जब तक तुम्हारे एथ गिफ्ट कोई खातून नहीं होगी मैं बिल्कुल पिक्चर नहीं लूंगी अच्छा हाँ खातून लाओ ये तुम्हारे पास है फैमिली पिक्चर होगी फैमिली पिक्चर वरना ना होगी हाँ, नहीं होगी हो ये सही क्या लोंडे ये सही है लोंडे ये डिजर्व करते हैं यार अक्विड हां प्रिका बहुत देव बचा मेरा ये एक दफा हम जा रहे थे फैमिली के साथ कोक फेस्ट पे

तो उनको जो है साइड करा मैं सही करती हूं फैमिली पिक्चर ओनली पता है क्या लोग को समझ में नहीं आता दैट uh, मुझे तो आवाम ने बहुत दफा ट्रॉमेटाइज किया है आई बीन ट्रॉमेटाइज्ड टू द कॉज दिस पर्सन एक तो खुदा के वास्ते आवाम मेरा एक ही इंस्टाग्राम पेज है और एक ही मेरा स्नैपचैट है और मैं इजी पैसा कैश नहीं लेती ओ कुत्ते की बच्ची <laughs> मतीरा अच्छा, बनकर क्या क्या कर रही है नंगोड़ी चल रही है वो इसी और हाँ और इजी पैसा किसी से वो व्हाट यू कॉल मेरा एक दोस्त है उसने मुझे मतलब इस बैंक अकाउंट में तो पैसे लगे ना इजी पैसा यार इमेजिन करो किसी से दस हजार उठा रही है किसी से पंद्रह हजार उठा रही है इस तरह कर और क्या अश्लील तस्वीरें देकर सबको लग रहा है मतीरा है मैं तो बोलती भाई मैं नहीं हूँ दूर फिटे मुँह

उसको लाइट मिल रही है तो वो उसमें फिर रो नहीं और वो मैं नहीं हूँ आई एम नॉट इन लाइक बड़ा दुख, दुख होता दिज़ी. है कभी कभी यू नो मेंटली आप नाम इस्तेमाल कर रहे होते, you know, really you know, uh, होते हैं एंड अजीब हरकतें कर रहे होते हैं

पर यार देखो घबला होता है तो हर तरह का होता है हाँ मेरे मेरे साथ वो जो टॉम हॉलैंड वाला गबला होता, होता <laughs> एक घबला हुआ था पता है क्या होता है क्या एक एकदम मेरे अकाउंट पे ना मेरी वीडियो पे कमेंट आया टॉम हॉलैंड का हां द टॉम स्पाइडरमैन वाला, <laughs> हाँ। <मैं> वाला। <laughs> टिक भी था वेरीफाइड मैं खुशी से पागल अच्छा कमेंट भेजा था कि आई डंट अंडरस्टैंड अ वर्ड बट दिस वाज फनी हां हां इट साउंड इट सीम्ड फनी मैं इधर पागल हो गया आ, भाई भाई टॉप वाले मैं दोस्त को बोला भाई मुझे कल्टस से निकाल मैं सस्ती गाड़ी में नहीं बैठता oh मैं God. आज उड़ रहा हूँ हवा में बाद में जी पता चला वो कि वो पाकिस्तानी लंडा था हो लंड था <laughs> जानी <laughs> वो लंड था वो।, वो पाकिस्तानी था उसने पता नहीं कहाँ से कोई अकाउंट उठाया उसको वेरीफाई भी कराया नाम भी ये रखा पाकिस्तानी जो है ना

मैं मुंह एक्चुअली हिल रहा है सामने वाले बोल रहे कि तुम हो <laughs> ये लाइक चूतिया मुंह हिल रहा है मुंह हिल रहा है oh. मैं कहां से हुई जो डीप फेक वगैरह में यार वो दैट्स वेरी स्कैरी एआई जो है हां ये हाँ, जनरेटेड आ रहे हैं ना दैट इज फकिंग स्कैरी लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड दैट क्यों ये, ये कहां जा रही है इवन अब तो ये है कि वो वॉइस जो है ना यस yes. वो भी रेप्लिकेट आपकी वो कर सकते हैं इस पे भी चल रहे हैं सीन

वो बैन चो आपसे दोस्त बना हुआ होगा आप कंप्यूटर से बात करोगे चूतिया में जवाब दे रहा होगा तो चैट जी चैट टी यूज़ किया नहीं मैंने किया वो भाई पागल है यार मतलब इस तरह आपको जैन ये लगता है कोई बंदा बैठा हुआ है मैंने उसको बोला कि यार टी शर्ट टी शर्ट डिज़ाइन करवानी थी मुझे तो ऐसे ही so, मर्च के लिए अपने मैंने उसे कहा यार कोई दस आइडियाज दे, दे दे टी शर्ट डिजाइन करनी है रफ मतलब रफ आइडिया उसको दे दिए कि ऐसा फंकी वंकी ये वो उसने धड़ 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 पूरे आइडिया जैसे इंसान नहीं देता हाँ। कि एक शर्ट पे ऐसा होना चाहिए फिर दरख्त हो उस पर इस तरह करके ना पूरे टेक्स्ट में उसने दे दिया अभी तो रिपोर्ट्स आ रही है लोगों ने अपने एग्जाम्स जो है ना वो ऐसे लिखे हुए या से छापे हाँ। मार के वो प्लेज प्लेज भी नहीं होता उस पर तो कापी भी नहीं पकड़ा पकड़ सकता ना नहीं टोटली जेन

टीवी वाइल्ड yes. uh, में इतने वायरस नहीं पता ही नहीं लेकिन वर्ल्ड में वायरसेस हैं। है जो हाँ, भी हाँ। लेकिन इस कदर नहीं हुआ है ना जितना आ, ये ये चंद मैन मेड वायरसेस लेकिन हमने दवाइयाँ भी तो बहुत बनाई हैं उनको फाइट भी तो किया एक जमाने में एक जमाने में आप बीमारी बनाओ ढाई लो, लाख लोग बाद लो, में आप दवाई बनाओ तो ये तो धंधा हुआ ना अब? <laughs> यार ढाई ढाई लाख लोग डायरिया से मर जाते थे भाई वॉशरूम बंदा जा रहा है पता है उसकी मौत है कि मतलब एक दफा जाएगा वापस ही नहीं आएगा आखिरी उसकी होगी पर ये ये तो देखा okay, स्मॉल पॉक्स था उससे हमने कर लिया कोविड था कितनों को मारा हाँ तो कोविड क्यों बना ये बताओ आ, ये भी है क्योंकि किसी की गान में खुजली थी एक बैट चिमकाधर खाने के लिए तो शौक इंसान को मार देते है वो अपने आप के साथ साथ दूसरों को भी मार देते हैं इसलिए शौक पड़ी आराम से पालो वैसे कुत्ता बिल्ली पाल लो शौक ना पालो इतने शौक <laughs> भला हो जाता है कुत्ता बिल्ली पालने से खुदा तो खुश होता है एनिमल हाँ, लवर भी हो काफी हमने अजलान से बड़ी जानवरों की बातें की हैं बड़ा मजा हाँ। है कौन मैं खुद एक जानवर हूँ <laughs> इंसान <इन्सानों> के बीच <laughs> अब तो अब ये पूछना तो अजीब है सारे जानवर अच्छे लगते होंगे एनिमल लवर को तो अच्छे लगते हैं वैसे कोई एक से जैसे हो जैसे इट्स नॉट शोक तबीयत नहीं, नहीं मैंने सारी बिल्लियां मेरे रेस्क्यूज है और मुझे लगता है दैट लाइफ uh, में अगर कोई बिल्ली आती है मेरी तरफ अल्लाह मियां ने मुझे एक काम दिया है उसको शायद एक अच्छा घर देने के लिए सुधारने के लिए और उस Uh, उनका जब काम करती हूँ तो जैसे तनख्वाह होती है वो छोटी सी खुशी एक तनख्वाह की सूरत में दे देते हैं अच्छा सो आई थिंक दैट ये हर इंसान देखो इंसान एक ऐसी मखलूक है ना वी वी आर द हाइस्ट लाइक यू नो और uh, हर जानवर एक फरिश्ता है ठीक है Uh, खुदा ने बनाया है आई आई डोट नॉट हैव दिस थिंग ऑफ लोग बोलते हैं कि यू you नो know, uh, कुत्ता है तो ये है नहीं uh, मैंने बहुत दफ़ा ऐसे लोग भी देखे जो बड़ी नमाजें पढ़ते हैं hmm. लेकिन uh, एक कुत्ता बैठा हुआ या वो छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे होंगे तो उन पर पत्थर मार रहे होते हैं ah. तो भाई ऐसी नमाजों का कोई फ़ायदा नहीं जब तुम एक नॉर्मल uh, इंसानियत आप भूल जाओ सही तो आई एम अगेंस्ट दैट आई थिंक दैट हमें दुनिया में भेजा है दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अभी हम अपने फ़ायदे के लिए अपनी भूख के लिए अपनी ज़रूरतों के लिए हम उसको बदतर बना रहे हर बंदे ने अपने रिलीजन से जो चीज़ें उसको अच्छी लगी है वो उनके झंडे लगाए हुए बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते सो दैट्स बड़ी बड़ी सैड और अभी मैं ट्रांसलेशन <coughs> पढ़ रहा हूँ आजकल कुरान की हम्म दैट्स द बेस्ट मुझे लगता है दैट uh, जब आप अपने बच्चों को रटा मारना सिखाते हो ना उससे वो उनको बेहतर समझ में नहीं आती जितना आप ट्रांसलेशन के साथ हुँ. बताते हो तो उनको एटलीस्ट पता होता है कि, कि क्या मैसेज है।, है क्या यू नो एक्जेक्टली पता चलता है ना सो वी नीड टू वी आर मिसिंग दिस हम मैसेज को नहीं देख पा रहे लेकिन हम उस चीज़ को एक रिपीटेड चीज़ की तरह लगे हुए हैं और अगर लेट सपोज अगर मैं रशियन में कोई बात करूं तो मैं नहीं।, नहीं पता होगा चाहे वो एक इमोशनल बात भी हो तो वो आपके दिल पर नहीं लगेगी अगर आप चीज़ों को समझोगे अगर आप हर चीज़ को अपने दिल दिमाग से समझ में आ रहा होगा आप क्या कर रहे हो किस तरीके से तो हर एक सजदा भी ना दिल Meaningful से होगा।, होगा दिल से होगा yeah, अभी तो ये चल रहे होते हैं सजदा करना है मैं वहाँ से ज़रा वीडियो बनाना तो मैं <laughs> कर कर हाँ। स्नैप पर लगाना पड़ना स्नैप पर नहीं लगाएंगे तो यू नो हाउ आर दी एंजल सी इट एंजल्स ऑन स्नैपचैट डालेंगे देखा ओ इसने लगाई है भाई इसका जो ना बहुत सारी चीजें इंसान को दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करनी चाहिए चैरिटी और इबादत ये दो चीजें दुनिया को नहीं दिखाओ छुप कर करो जैसे वो पाकिस्तानी था ना कोई <coughs> जिसने भी टर्की में कोई डॉलर है पाकिस्तानी पैसे थे नाम नहीं अपना बताया आपस की बात है आपस की बात है जब यहाँ फ्लैट हुए थे कितने अरब इकट्ठे हुए थे मुझे लगता है वो दुबई के अरब थे फिर उन्होंने फ्लाइट ली और वो चले गए क्योंकि जो पैसा वाला अरब था वो नजर नहीं आ रहा <laughs> अच्छा। <laughs> वो सिर्फ दुबई के अरब थे एक अरब हबीबी तीन अरब

सोशल मीडिया के जरिए इसने एक लेमोगिनी बना दी उसने कितने मिलियंस वो छाप रहा है ये कर रहा है वो कर रहा है जो रियलिटी ये होती है वो सब ब्रांड पर चल रहे होते हैं गाड़ी घर ah, ah, so लेकिन दिखता क्या है लैविश लाइफ स्टाइल एम्प्टी होते हैं अंदर से खाली होते, हैं। खाली होते, हैं। होते सारे हैं। लोग बाहर से एक भरम होता है hmm. और वो चीजें फिर एक बच्चा देखता है जिसने जिंदगी नहीं देखी Hmm. जिसने अभी ही दुनिया का एक पहला रुख देखा है उसको ये सारी लालचे चीज़ें दिखती हैं ना hmm. तो वो चाहता है कि वो इन चीज़ों में आ, करे और इन चीज़ों को हासिल करने के लिए फिर बच्चे किसी भी एक्सटेंड पर चले जाते हैं सो आई डू नॉट बिलीव ऑन दिज न्यूज़ नो मतलब आई क्लियरली रिमेंबर जब ये इंस्टाग्राम ये सारी चीज़ें नई नई आई थी hmm. तो मैं जब देखता था तो यही फील करता था यार

मेरे मेरे माशाल्लाह बहुत सारे दोस्त थे वो अगर आप उनको यूं ही देख लो वो बिल्कुल नॉर्मल होंगे वो hmm. शायद दे विल हैव रॉल्स रॉयसेस एंड बेंटलीज एंड दैट लेकिन आई नेवर मैं आई हैव नेवर सीन माय फ्रेंड पुट अ स्नैप ऑफ अ बेंटली और अ दिस और अ दैट हाँ ज़्यादातर स्नैप आ जाती है फूलों की बाग की यू लाइक है भैया दैट्स द रियालिटी और यहाँ पे लोग ख़ैबर की भी भी you दिखा know, दिखा के। It's not only भी मैंने ये ये देखा है बहुत दफा that, uh, जो जो गोरे दिखा रहे होते हैं, बनकर जिंदगी की आपको ज्ञान दिखा रहे होते हैं बता रहे होते हैं कि दिस इज हाउ यू बिकम डिसिप्लिन दिस इज बाद में वो बोलते हैं हमारा एक अमेजोन पर आप उन

झूठ होता है इल्यूजन है इट्स इट्स अ लाय इट्स इट्स अ फेरी टेल इट्स अ फैंटेसी जो आपके सामने डैंगल कर रहे हैं दैट यू नो दिस कैन बी yours if you buy this package of mine हाँ। <laughs> वो कितने लाखों लोग अठारह 18 डॉलर की चीज लेकर वो तो बेचारे अमीर नहीं बने ये भाईजान लखपति बन जाता है बहुत सारे लोग होते हैं जहाँ पे तो मैंने देखा है कुछ लोग मोटिवेशनल स्पीकर हैं Uh, उनकी जिंदगी की सक्सेस ही यही है कि वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं मतलब मोटिवेशन स्पीच किसको देनी चाहिए जिसने कुछ किया हो जिंदगी में hmm. फिर वो मोटिवेशनल स्पीच दे कि भाई ये सब मैंने किया मिसाल के बाद स्टीव जॉब्स दे रहे हैं समझ आता है, hmm. है एप्पल बना लिया उसने hmm. या ऐसा कोई भी बंदा जो हाईली यू नो इंफ्लुंशल बंदा है वो कुछ बात करे कोई स्पीच दे वो समझ आता है मोटिवेशनल है hmm. एक बंदा जिसका करियर ही सिर्फ मोटिवेशन स्पीचेस पे ही है hmm. तो नहीं मतलब मुझे वो तो छोटा हाँ। दे, 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 दे बच्चा देखा मैंने यार पाकिस्तान में ग्यारह साल का बच्चा मोटिवेशन स्पीकर मोटिवेशन मो, स्पीकर है, कौन? है छोटा था बच्चा अभी 11 का उन्होंने 11 से वो उसने शुरू किया था अब तो कोई बड़ा हो गया होगा 13 चौदह साल का होगा सो so, क्या कोई बीमारी उसने नहीं कोई बीमारी नथिंग सिंह मोटिवेशनल स्पीच देता है कि जिंदगी में आपको ये करना है तो ये करें <laughs> जिंदगी में <laughs> <जिन्दगी। laughs> बेटा तू तो जीत ले जिंदगी <laughs> <laughs> फिर तो नहीं नहीं अगेन इट इज इट्स नॉट द बच्चास फॉल्ट हां मतलब इट्स द सोसाइटीस फॉल्ट Like, I'll be very, mm, एक एक शो होता है चैनल पर जिस पर एक बच्चा आता था जो बोलता था पीछे तो देखो है कभी कभी वो बच्चा बहुत बदतमीज हो जाता था बिल्कुल और वो उस उस बदतमीजी को लोगों का oh अब इसको cute. बढ़ने दो hmm. इस बच्चे को बढ़ने दो जब ये बड़ा होगा इसकी जबान बड़ी होगी हाँ। इसके तमीज़ के दायरे उसको नहीं पता बाउंड्रीज नहीं, exactly. नहीं पता डिसिप्लिन नहीं पता फिर जब ये बड़े होकर ये बातें बोलोगे हम बोलेंगे पागल है हाँ. जब रियलिटी हम ही जिम्मेदार है उसको उतना बदतमीज बनाने के लिए जब वो बेचारा क्यूट so, नहीं रहेगा ना जब बड़ा yes, हो जाएगा देन विल बी लाइक यार क्या बकवास बोल रहा है लेकिन प्लीज ये चीजों को क्यूट और हाईलाइट और नहीं करो इट इज द सोसाइटी आल्सो वी दोसाइटी ऑल्सो पार्ट ऑफ द सोसाइटी इट्स लाइक अ फकिंग स्कीम गोइंग ऑन <laughs> तो इन उसकी जो पहली वीडियो थी ना आप उसको सही तरह से चेक करो जो टीचर है उसको गुस्सा दिला रही है तो ये वो भूल भु, भु, रही है मतलब उस बंदी को नहीं पता कि मैं अग्रेशन ला रही हूँ उसकी नेचर में अभी से हाँ मतलब लाइक मैं लोगों को बोलती हूँ जब आपको बच्चा छोटा होता है गाली देते हैं लोग बोलते हैं नो उस वक्त

ठीक है एंड mm. uh, एक तो माशा मुझसे भी टॉल है ही इज़ टॉल ही इज़ फिफ्टीन पर इज़ वेरी टॉल एंड ही लुक्स लाइक अ ऑल कोई मानता ही नहीं है अच्छा तो बाकी यू नो दो वेरी आई एम हैप्पी दैट माई आर समझदार यू नो देव सीन मी स्ट्रगल स्पेशली द बिग वन एंड द बीच वाला छोटो वाला इज अ पटाखा

हाँ. और छोटा वाला इज द टीचर कम्स टू मी एंड सेस प्लीज टीच हिम इंग्लिश सबसे छोटे वाला फुल टपोरी और <laughs> फुल टपोरी पाटा 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 मैं बोलती हूं भाई यार ये मेरा बच्चा नहीं है बट या इन दैट वे ही इज वेरी टपोरी लाइक ही इज अ फैन ऑफ वरुण धवन तो इफ ही सीज अ ब्यूटीफुल गर्ल स्कूल में ये जाकर बैठता है ओ लेवल्स की बच्चियों को जाकर hmm. बोलते हैं टन 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 तारा <laughs> चलती है क्या नौ से बारह फिर वो उसको ले जाती है हेडमास्टर्स की तरफ कह देखो बोलता है इज एट फिर वो बोलता है नहीं मैं तो गाना गा रहा था <laughs> अबे बहन शक्ल देखो अपनी <laughs> मैं उसको बहुत डांटती हूँ पर या पर ही गॉट दिस एक वो होता है ना मिस्चिव वो घर में एक जगह नहीं होता है रनिंग अराउंड दैट्स हाउ इज बड़ी डिफरेंट तबीयत है सारे हां उस साथ इज वेरी सटल सेंसिटिव अच्छे माय माय किड्स वन थिंग कॉमन दे आर वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल फॉर वुमेन एंड मैं बोलती हूं जो जो इनकी बीबियाँ होंगी बहुत खुश नसीब होंगी बिकॉज दे आर रेज्ड बाय थ्री वुमेन मी माय मॉम एंड माय सिस्टर

I went, बच्चों ने, तो नहीं आ, हुआ इत, हाँ। <laughs> मैं बच्चों के साथ चली बिग फैन ऑफ यंग उसने बोला मामा ले चलो आई वॉन्ट टू गो एंड सी द कॉन्सर्ट तो मैं उसको ले गई एंड माई फॉर हर लोगों ने उनकी वीडियोज बनाई छोटे वाले के मुंह पर कैमरा डाल रहे हैं वो बड़ा वाला इतनी एन्जाइटी में था जहाँ मैं खड़ी होती थी लोग आकर यू नो पिक्चर ले लो पिक्चर ले लो और यू नो दे दे फेल्ट लाइक आई थिंक दैट अगर आप किसी एक्टर को या किसी को भी नोन इंसान को उसकी फैमिली के साथ देखते हो ना लेट इट भी क्योंकि please. मैं कुत्ते की तरह काम करती हूँ और uh, बहुत कम अपने बच्चों के साथ निकलती हूँ और उस पूरे टाइम में मैं जब घर गई मेरे बच्चों ने पता ही क्या बोला अम्मी आप हमारे साथ अब नहीं आओ जो नॉट कम उदास प्लीज़ आई एम लाइक ओके

और जो बीच जो बीच, में बीच वाला है वो अभी तक डिसाइड कर रहा है <laughs> ज़्यादातर वो एनिमल्स के साथ बहुत अच्छा है तो हम बोलते हैं दैट क्योंकि पाकिस्तान में इतने जानवरों के साथ इंसाफ नहीं होता हाँ। तो मेरी एक एक चीज़ है लमिया मुझे इतना दे कि मैं हर जानवर के लिए एक जगह बना दूँ कि यू नो उसका इलाज भी हो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी हो क्योंकि यहाँ लोग जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं

मैं तो मैं ये बोलती हूँ किसी को नहीं वो लोग मुझे ये बोलते यार इट वाज जस्ट अ कैट नो इट वाज नॉट अ कैट व्हेन आई मैंने उसको इस्लामाबाद से लिया था एक यू नो एक दम मैनी नाइस पेजेस ऑल्सो तो उन्होंने बोला था वहाँ से फ्लू उसका नाम था टूटू मैं इसलिए थोड़ी सी डिप्रेस अच्छा। तो जब आप अपने एक वो को रखते हो, बच्चे की तरह महसूस होता है नोब हाँ। इलाज तो करने वाले सही लोग नहीं है। is, no, नहीं। दे, पैसा लेते हैं सब कुछ लेते हैं लेकिन पता नहीं होता क्या कर रहे होते हैं आई डोंट नो कल हमने उसको कुछ खिलाया पिलाया बिस्किट लेके आए उसको दिए फिर वो आ जाए तो यहाँ नहीं है है ना वो <laughs> रो रही है क्यों तो इसका, उसका वो बड़ी एनिमल लवर एनिमल oh. लवर है ना वो भी Ay, तो ऐसा इमोशनल हो जाती है आई हैव क्राइड अलॉट मैंने पहली दफ़ा लाइक uh, like, मार्शला मेरे ऐसे ऐसे मेरे पास जानवर एक का नाम तो हमने पॉप स्मोक रखा हुआ है वो बिल्ला था छोटा सा कुत्ते ने काटा ऊपर से उसको एफ पी एफ आई पी ऐसे कुछ वायरस भी लग गया था जो बहुत सीवियर होता है ही केम बैक फ्रॉम वन परसेंट चांस टू सर्वाइवल एंड माशा अभी हमने नाम उसका रखा भाई मेजर क्योंकि वो तगड़ा ऐसा मतलब उठाते तो हमारी जो दूसरी बिल्लियाँ हैं ना हम बोलते लाना तो, तो तुम पर ये देखो फुल लाइक बकरा चल रहा है सो याट एक ये भी होती है अल्लाह जिसकी रखता है ये है ये अम्मी ने मुझे बताया था कि जानवर आते हैं जाते हैं ये एक अच्छी चीज़ होती है आपने उसको एक अच्छी लाइफ दी प्यार दिया आपने उसको सब कुछ जो देना चाहिए था वो दिया और अल्लाह ने अल्लाह के पास चला गया अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है अल्लाह के पास ही जाती है लेकिन इट्स इट्स आई आई बीन रियली डिप्रेस्ड Lately, I've been messed up mentally. Oh, and it's okay. Really sorry to hear about that. It's okay to be messed up. Sometimes it's important, right? You have a workshop or you, some, uh, you have to go there. Yes. A person sometimes has to fall apart. We have to break. Hmm. That's when something new comes. That's when you learn something. It's the beginning. It's like after every end. Yeah. Yeah. एंड ऐट द सेम टाइम ये भी होता है दैट आपको अपने आप को um, हम इतने रोबोटिक हो जाते हैं हम फील करना भूल जाते हैं और वो फील अंदर बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है वो एक नेगेटिव एनर्जी बन जाती है विच बिकम्स बैड फॉर द बॉडी सो इट्स इट्स गुड टू लेट इट आउट इट्स गुड टू फील द पेन ग्रीफ को अलाउ करो उसको एक्सेप्ट करो express भी करो या yeah, एक्सप्रेस करो यू शुड है लोग यू आर योर ओन बेस्ट फ्रेंड आईना देखते हो हाँ. आईने में एक इंसान नजर आता है वो इंसान आप, हो, आप हाँ तो आप अपने आप से, आप अपने से बात लिए काफी सकते हो हर इंसान अपने लिए काफी इतनी हिम्मत होती है सब में मैं इस चीज पर बिल्कुल यकीन नहीं करती दैट यू आर इनकम्प्लीट अल्लाह मियां ने आपको टांगे दिए hmm. दिए आंखें दिए सब कुछ दिया ही मेड यू कंप्लीट यस व्हेन यू गेट अ बेटर पार्टनर इट बिकम्स लाइक एन एनर्जी बूस्टर इट बिकम्स अ बैकअप और अगर पार्टनर आपको मिलता भी नहीं है hmm. तो इंसान कभी भी अकेला नहीं होता यू गेट इट हम अकेले नहीं है हम मान लेते हैं हम अकेले लाइक ए सेड द आर थिंग्स दैट एग्जिस्ट मीनिंग दिस लैपटॉप फिजिकल थिंग्स दैट वी कैन सी एंड दी आर थिंग्स दैट डोंट एग्जिस्ट लाइक वी कैन सी गेट एग्जिस्ट या वी कैन सी एंड आई थिंक दैट अल्लाह इज ऑलवेज विथ यू अगर वो आपकी गुनेगार वाली ही चीज़ पे देख रहा है ना hmm. तो अच्छी चीज़ भी देख रहा है वो आपके साथ है वो आपके रग में है hmm. अल्लाह ने इसलिए एक चीज़ लिखी है दैट मैं हर इंसान के दिल में बसता हूँ hmm. और वो दिल यहाँ है ना इट्स देयर वो जब तक बीट हो रहा है जब तक वो है और जब इंसान बहुत ज़्यादा अंदरूनी तौर पर डार्क हो जाता है तो हम बोलते हैं उसका दिल काला हो गया है मीन्स द लाइट इज़ गॉन तो इट्स गुड टू यू नो अपने अंदर एक एक ग्लो रखो वो बहुत ज़रूरी होता है होप मिलती है उससे मैं ये रिसेंटली मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं जितने भी मेरे दोस्त हैं जो कमा रहे हैं इंडिपेंडेंट हैं घर पे दे रहे हैं मैंने तो ये नोट किया है शायद आप अग्री करोगी लड़के नहीं खुलते वो वीकनेस समझते हैं ना अपनी बताना अपने दिल खोल के बात नहीं करते किसी वेंट आउट नहीं करते वो नहीं बताते क्या चल रहा है और <coughs> जितने मेरे दोस्त हैं हर किसी के अंदर मेरे से पूरी कयामत चल रही होती है अब रिसेंटली मतलब जो मैंने नोट किया एक तो बुरे हालात भी आ गए हैं सारा कुछ ना एवरी लाइक बॉय ऑफ एवरी बॉय दैर यू नो स्टडीड विद वो सारे ना फेस से गुजर रहे हैं लेकिन कोई कहता नहीं है शुगल मस्ती में ना सब साथ हैं आपस में लेकिन खुल के ना कोई भी बात नहीं करता तो ऐसा बहुत बहुत अकेला अकेला फील हो रहा था मुझे भी हो रहा था उनको भी हो रहा था और कोई ऐसे खुल के आ नहीं रहा था पता नहीं क्यों बस ऐसे समझते हैं लड़के के यार ऐसे वीकनेस फील होती है जैसे वनरेबल होना नहीं चाहते बट ये जो एहसास है ना कि कोई आपके साथ है गॉड इज़ विद यू रिसेंटली मुझे एक्सपीरियंस इस तरह हुआ थोड़ा मैं कनेक्ट हुआ थोड़ा स्परिचुअलिटी की साइड पर तो अब एक लाइक like, वो सारा मिल जाता है कि जैसे अभी आपने बात की ना कि कोई नाउ यू हैव टू टू लुक अप अच्छा भाई ये है, मेरे मसले है सब कुछ है बट अभी है, आप हो तो देख लो क्या सुकून तो मिल जाता है हाँ. तो तब आप अकेले इसलिए आप जो है ना आप कभी भी अकेले नहीं होते जो आप बात कर रही थी ना देखो जब आप बुरा करो तब भी आप ये दिमाग में रखो तब भी रखो हाँ कि भाई कोई ऐसा नहीं हाँ. जब अच्छा करो Okay. तब भी रखो right. ये मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलती हूँ यू आर नेवर अलोन एंड दैट यू शुड ऑलवेज नो बन एंड यू थिंक लाउड सो यू शुड ऑल्सो नो क्योंकि योर थॉट्स एक्चुअली मेक यू जो सोच आप रखते हो वो ही आप यू you नो know, uh, बनते हो yeah. और सोचिए हर इंसान में ना दो शख्सियत होते हैं एक जो uh, बिल्कुल शॉर्टकट ढूंढता है ठीक hmm. है और एक जो बिल्कुल लेजी होता है या स्पिरिचुअल होता है या कुछ ना कुछ होता है द थिंग इज कीप इट बैलेंस्ड। आप कंप्लीटली मलंग हो जाओगे ना hmm. तो रोड पर आ जाओगे दुनियादारी और दीन साथ रखो। साथ, बैलेंस क्योंकि अगर आप कंप्लीटली मलंग हो जाओगे तो ये दुनिया आपको जिंदा नहीं रखेगी और ज़िंदा कभी कभी इंसान को खुद के लिए नहीं लोगों के लिए जो इर्द गिर्द है उनके लिए रहना पड़ता है एंड आई थिंक दैट जब आपको रियलाइज़ होता है वॉट इज़ योर एक्चुअल कॉलिंग वॉट इज़ योर एक्चुअल रीज़न टू बी हेयर तब चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती है जब इंसान बहुत मैं 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 चल रहा होता है न, ना तो वो बहुत ऑकवर्ड होता है किसी ने मुझे एक चीज़ बोली थी दैट एक इंसान एक दीवार की तरह है जितनी ईटें लगती है जिम्मेदारी की उतनी मजबूत बनता है wow. अच्छा, हाँ. नया थोड़ा सा। इट इज रियालिटी तो अगर आप एक ईंट रखो और एक लाइन एक ईंट की बनाओ इट विल फॉल दैट अगर आप मैं 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 चलो hmm. तो यू विल फॉल बिकॉज अल्लाह बोलता है तुम्हें दुनिया में भेजा है लोगों के लिए तुम्हारे लिए मैं हूं सो दैट्स हाउ वी शुड लुक एट द वर्ल्ड यू नो आई थिंक फॉर अदर्स आई डोंट थिंक फॉर माई सेल्फ मोर बिकॉज आई नो दे इज व रेडी समिंकिंग फॉर मी बिकॉज आई हैव कनेक्टेड माय सेल्फ अदर्स तो वो प्लान करेगा जो भी वो बेहतर होगा हाँ दैट मुझे उस मेरे साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है बहुत सारी जिम्मेदारियाँ जुड़ी हुई है उनको ये पता है अगर मैं हिलूँगी तो कितने और घर हिलेंगे सो हीजन आई टॉक टू गॉड लाइक माई फादर आई वॉज वेरी क्लोज टू माई फादर एंड वीज नो मोर And I spent very little time with him and then, you know, things got rough and he just vanished from my life, like left. And I had a very empty space. A space of, you know, your father is your he was the first love, mm. the man who shields you and he was the first one who, to break my heart also because he ghosted. So in that way, you na know, vojo empty space you know, I gave it to God. So how a father look after his daughter, mm -hmm. this is how I think Allah look after me. Because I have seen uh, I have seen myself in terrible positions. I have uh, we started off from Pakistan and it was a very rough phase for us. homeless, uh, जरिए कहाँ से बने नहीं पता बट आई थिंक वो सारे ज़रिए थे ना वो खुदा ने बनाए थे उसमें मुझे टूटना पड़ा उसमें मुझे सौ दफ़ा मरना पड़ा ये इंसान बनने के लिए तो एवरी वर्जन ऑफ़ मी डाइड टू बी अ बेटर वर्जन एंड आई स्टिल थिंक मेरी बुरी आदतें कुछ हैं एंड उनको छोड़ने के लिए मुझे और मरना पड़ेगा हमें नहीं पता होता पाकिस्तान क्लास पीपल लाइक मी एंड नो नॉर्मल पीपल नॉट दैट नो इतने अमीर लोगों के लिए वो लाइक सिंपल लफ्ज में क्या बोलूँ मैं पर एक मिडिल क्लास को हेल्प करने वाली मिडिल क्लास एट द सेम टाइम जो लो क्लास <class> को भी सपोर्ट <laughs> uh, करे राइट नाउ राइट नाउ देखो महंगाई होती है अमीर मजीद अमीर होते हैं बिकॉज दे हैव दिस स्टफ गोइंग ऑन उनका काम चल रहा होता है ठीक है हाँ. अब एक बंदा उसके बहुत सारे घर है हाँ। महंगाई हुई ठीक है किराए बढ़ गए किराए बढ़ गए <laughs> उसको थोड़ी टेंशन टेंशन उसको जिसको भरना है <laughs> mm. क्योंकि उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ी किराया तो बढ़ गया है तनख्वाह mm. नहीं बढ़ी यू गेट इट सो अमीर अमीर हो रहे एंड आई एम नॉट गोइंग टू से दैट आई एम अ अ सपोर्टर ऑफ दिस पार्टी पार्टी दैट आई एम सपोर्टर ऑफ pakistan any party that can be good i say i, will, I support a lot of uh, people's party because i support i'm a huge fan of benazir because mm. i've seen benazir uh, you know as a very strong woman and uh, when i came to Pakistan and and the harassment that I've went through and how people pushed me back and how they you know um, you know I the things that I faced I think that you know me kitni bandi and I had to go through so much us ne kuch kya hai ke liye and kuch suffer at the same time I think that party deserves respect.

वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट गैंगस्टर बन जाए <laughs> अभी नहीं गैंगस्टर वाली बात नहीं होती आई थिंक दट मनी इज नॉट ब्लैक ठीक है हाउ यू यूज इट मेक्स इट ब्लैक अगर आप वाइट पैसा हाँ अगर आप वाइट पैसा भी यू नो लोग मोड पर डाल रहे हो लोगो को उसमें भी डाल रहे होट वाइट पैसा इज नॉट दैसा यू नो इट्स नॉट अभी हमारी क्या हो रही है मैं हमें एक बात बताती हूँ मुल्क इज बैंक यू नो एंड वी आर नीचे भी है लोग जब ये ऐसा टाइम आता है लाइफ दैट यू नो अदीपल अब वो अमीरों की तरफ तो नहीं जा सकते ना बिकॉज दोस्त पीपल हैव हैड्डियाँ गार्ड्स लेकिन क्या होता है मिडिल क्लास पी से जाता है फोन स्नैचिंग होती है क्राइम hmm. लोग क्राइम बढ़ता है मॉन्स्टर्स गेट क्रिएटेड आई थिंक दैट मनी इज यहाँ जो पाकिस्तान अभी फिलहाल बर्बाद हुआ है ना वो ईगो के चक्कर में हुआ है सबकी अपनी ईगो है Everyone has an ego, and I believe Khan Saab has the biggest ego because what is power? I remember, I think, uh, I don't know if I'm right about it. Like in I remember, uh, ye bahat, uh, I think, Nawaz Sharif's. लाइक यू नो ही वॉज़ वेरी क्लोज़ टू शरीफ ख़ानदान ही वॉज़ लाइक बेस्ट फ्रेंड्स वेन ही वेंट अगेंस्ट बेनज़ीर बटो और उन्होंने काफ़ी uh, लोगों ने बे नज़िर बटो के खिलाफ वोट तो, और वो क्या होता है जहाँ uh, उनको वो कुर्सी से हटाया था no हाँ जो और बेनज़ीर बटो सैड लाइक शेयर नी एंड शी फेस्ड एवरी थिंग और जब खान साहब के साथ ये बात हुई तो वो वहाँ तक पहुँच नहीं सके वो वहाँ बैठे तक नहीं एंड आप कैसे दोस्तों आप जिस इंसान के जरिए जिस पॉलिटिक्स में आए हो आप उसी इंसान इट्स जस्ट लाइक मी बींग बेस्ट फ्रेंड ठीक है कमिंग द वर्ल्ड ना, 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 ना तो कि आप, आपके रस्ते अलग हो गए मेरे अलग हो गए किसी आपकी चीज पर वॉर में पाकिस्तान और पाकिस्तानी जा रहे हैं this is a personal war this is not at all for the mulk we are used as puppets we no one cares we die no one cares we live hope party not khan this is a very dark moment for pakistan by the way hmm. They go Khan could have. He's a great human. He's a great human. I, I think that, and I think he's a great cricketer also. Or internationally, fans he's not a good politician. What he's do you mean by that. this? Kya dirty politics uske liye? No, it's not yeah. about dirty politics. You cannot be good everywhere. That's how some people are. सम पीपल आर जस्ट नॉट मैंट फॉर एट आप जबरदस्ती उस चीज़ में घुस रहे हो इट इज़ योर ओन भूक ही से इज अबाउट अगर आपको देखो कुर्सी नहीं मिल रही छोड़ दो दैट्स हाउि शुड बी राइट आपने अपनी आप जितना वो सामने वाले को ब्लेम कर रहे हो कुर्सी 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 आप भी वही कर रहे हो ना आपने और उसमें फ़र्क क्या है

अब ये ये तो एक्सक्यूजेस है ना एक्सक्यूजेस <laughs> है hmm. देखो नवाज शरीफ ने लाहौर तो बनाया है ना hmm. बनाया हुआ है बनाया है ठीक है आप एक्सक्यूजेस कर रहे हो आप सॉरी 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 आई एम नॉट पॉलिटिकल पर्सन लेकिन आई डू हैव पोलिटिकलान आप रिलीजन कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो आप नो आई थिंक इज अ ग्रेट ह्यूमन एंड आई थिंक दैट ही कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ क्योंकि उनकी फैंस बहुत है उनके लोग बहुत चाहने वाले हैं एंड आई थिंक दैट खान साहब कैन डू अ लॉर ऑफ अगर वो धरने बंद कर दें क्योंकि धरनों में मुझे ये बहुत अजीब लगा दैट धरनों में कुछ धरनों में बच्चियाँ भी थी फीमेल्स थी hmm. और उन पर वो टेयर गैस और वो सारी चीज़ें hmm. हो रही थी और मुझे बहुत बुरा लगा you know? क्योंकि देखो आप लोगों को भुलाते हो ठीक है एंड देन यू आर इन अ बुलेट प्रूफ थिंग आप लोगों का सोच रहे हो तो वो तो सोचो दैट ट वाले चीज़ें भी हालत बिगड़ सकती है आप एक हजूम इकट्ठा कर लो एंड देन यू डोंट केयर अबाउट द हजूम इट्स इट्स नॉट इट्स नॉट फेयर

He can ही कैन हेल्प पाकिस्तान इन डिफरेंट वेज हिस्स शौकत खानम sure he can he can do different things for child's बच्चों की schooling के लिए करते हो ये मैंने कभी भी ये चीज़ें सुनी नहीं है इनके मुंह से इट इज ऑलवेज अबाउट मैं जो हमारे पॉलिटिक्स में सुनती हूँ ना उसने ये करा उसने ये करा उसने ये किया तो इसने ये करा वो किया देव बिकम सो पर्सनली लुक्स लाइक कोई सास बोकर झगड़ा चल रहा है यू नो नो वन केयर्स अबाउट क्या होगा क्या नहीं होगा ऊपर से मुझे बहुत बुरा लगता है जब यू uh, नो you know, वो बुली कर रहे होते हैं अपने स्पीचेस में आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो यू आर बुलिंग सम करो तो सही सामने वाला करे तो नहीं सही आई आई रियली थिंक दैट हीज अ ग्रेट पर्सन बट यू नो हीज मे बी डिफरेंट वेन है किसी को तो वोट करना पड़ेगा आई एम आई आई डोंट वोट आई नेवर डिड बिकॉज वन आई थिंक दैट कभी गिने नहीं जाते हमारे वोट <laughs> uh, <laughs> जो होना हो, हो होगा वो <laughs> होगा दूसरी बात आई जस्ट थिंक दैट यू नो आई एम आई एम ए मिडिल क्लास मॉम आई हैव हैविड टू वॉर यू हैव बिल्ड टू आई हैव टू कीप माई थिंग रोलिंग दो तरीके के लोग होते हैं एक जो मेरी तरह है जो इस सिस्टम में चल रहे होते हैं और वो लड़ रहे होते हैं एंड ट्राइंग टू मेक एंड मीट एंड आर अदर पीपल हु हैव नो यू जिम्मेदारी एंड ऑल द केयर इज अबाउट यू नो रनिंग नोइज एंड यू नो डूइंग दीज यू नो टाइप ऑफ टैक्टिक्स गेटिंग इन धरनाज एंड ऑल ऑफ दैट सो आई थिंक कोई भी एक इंसान को ना जो एक धरने वाले इंसान को उससे पूछो भाई तुम्हें जिम्मेदारी uh, है ये है बताओ तुम ये जितने लोग निकलते हैं कोई जिम्मेदारी नहीं है नो आई डों सर ओके आई थिंक दैट देर जस्ट

गुनस पर आई थिंक दैट जिस इंसान के सर पर जिम्मेदारी होती है वो ये नहीं, नहीं सोचता कि मैं वो ये बोलता है यार मुल्क सही चला लो मेहरबानी होगी <laughs> फिर ज्यादा इसमें नहीं घुसते मेरी राय मेरी राय भी निकली तुम्हारी राय क्या एक मिनट रुको <laughs> रुको पता नहीं रुको। यार रुको। मैं खुद कंफ्यूज गोपी बहू तुम्हारी राय क्या आप ही की तरह कंफ्यूज हो अरे नहीं बताओ सच बोल मतलब कि हाँ थोड़ा थोड़ा खान की साइड पे जा हल्का-फुल्का हल्की इंक्लिनेशन है बिकॉज़ आई मे बी आई डोंट नो थोड़ा बायस है इतना लाइक हिम ही इज अ नाइस पर्सन हां हां ही इज अ नाइस पर्सन बट ही इज नॉट अ गुड पॉलिटिशियन दैट्स इट आई आई थिंक दैट मशरफ के वक्त पर अच्छा टाइम था आ uh, आसिफ रिजार्टारी के वक्त पर डलोवीज कंट्रोल इट इज अ गुड टाइम चीजें तो okay तो सस्ती, सस्ती थी और जो है ना भाई मेट्रो भी बन रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर भी ओके हो रहा है लेकिन वही जो अभी हम थोड़ी देर बात नहीं कर रहे थे कुछ लोगों के बाद सब कुछ होता है दिखाने को अंदर से खोखले होते हैं तो मुल्क तो कब से ऐसे ही चल रहा था चल रहा है ना अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बन भी गया तो एक्सपोर्ट पे तो कभी ध्यान नहीं दिया कि भाई हम खुद क्या बनाएंगे जो बेचेंगे अभी मैंने आप कभी आप जलसे सुनते हो मुझे तो जलसे सुनकर है ना हुँ. बहुत जब वो बयान दे रहे होते हैं मुझे वो बड़े अजीब से लगते हैं कोई सास सासबू वाली चीज़ें चल रही होती है <laughs> उनका मेकअप देखो तो वो बोल रही है कुछ और तो ये बोल हेलो दिस इज़ अ फाइट बिटवीन ईगोस पाकिस्तान इज नॉट इन बिटवीन एनी Hmm. <laughs> इंसान जब एक रिलेशनशिप में ईगो आता है तो hmm. क्या होता है बर्बादी hmm. एक मुल्क में ईगो आई है मुल्क के लीडर्स में ईगो hmm. hmm. आए दे के नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दे सारे जो ना एक कोई पेज पे कभी आ जाए

और उसके लिए आप तो बहुत कुछ कर रही हैं पॉपुलेशन जो बढ़ रही है रही हो ना रूरल एरियाज में, yes, uh, you know, uh, में uh, ख़वानों को ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस देते हैं फैमिली nice. तो प्लानिंग की वो टैबलेट्स के बारे में बताते हैं फोर मंथ्स तक माँ का फ्री चेकअप होता है क्योंकि पोलियो wow, nice. uh, के खतरे होते हैं क्योंकि पाकिस्तान एक वाहि जगह है जहाँ री हाई सॉरी एंड लाइक यू नो वाहिद कंट्री है जिसमें uh, माँ मर जाती है वो ah, uh, uh, इसलिए होता है बिकॉज मदरस हेल्थ इज न एक वाकया सुना था एंड आई वॉज सो शॉक्ट that a woman was because she had breast cancer. And at some areas, they think breast cancer comes when a woman husband, se, uh, karte, means sleeps with another man, that's when breast cancer happens. What As a punishment for th This happened in Pakistan? In Pakistan. And, and she was kicked out of her house and she was not a young woman. She was like a 40-50 year old woman. Oh so it, it's really sad to know that लोग ऐसे हैं जो ऐसी ऐसी तोमतें भी लगा रहे find आउट जो सिम्टम्स होते हैं वो बताने के बजाय छुपाती हैं hmm. till the द लास्ट स्टेज तो ये चीज़ें बड़ी वेरी सैड दैट हमारी uh, औरतें इन चीज़ों को फेस कर रही है इन चीज़ों से लड़ रही है और चल भी रही है और बच्चे भी पैदा कर रही है हाँ। और फिर बोला भी जाता है कि भाई लड़कियां हो रही है तो इसकी विरासी हो रही है यू नो इरा लड़कियां भाई तेरे अंदर लड़का नहीं है लड़कियों गर्ल्स पम्प सौ लड़कियां भी बनाओगे तो लड़कियां ही होगी औरत के ऊपर हैज नो थिंग ऑफ लड़का लड़की

मुझे नोज डाइव करना था मुझे वो बड़ा एक न्यू सी चीज फील हुई टीच बड़ा बड़ा फील हो रहा था आई सीड यस फॉर इट एंड आउट really? yeah people people stopped hiring me people acted weird uh, कुछ लोग तो बात करने कुछ मेरे दोस्त थे जिन्होंने उस वक्त बात करना ही छोड़ दिया था मुझसे ये अभी हम इस मौजू पर बात करते हैं हाँ। मैं एक मॉर्निंग शो पर गई थी और मैंने जब वो जब बात की थी तो वह होस्ट ने मुझे बोला हम आइंदा आपको नहीं बुलाएंगे आप तो बस ट्रबल हो You know, so it's, it's like, की करने के खुद ही दरिया में चली गई बट नाउ वी कैन टॉक अबावर बेहतर हुआ वक्त बदलता है, मतलब course, है हाँ. अब पीपल से अबे यार इसकी एड्स कॉमिक अभी मेरे दोस्त वही दोस्त थे मुझे वो चीज़ें भेजते हैं बोलते यार क्या बात है मैंगो वाला ये पर यू नो नाउ आई एम लाइक ये वही वाली चीज़ होती है भाई चीज़ भी वही हो इंसान भी वही है लेकिन क्या होता है वक्त बदलता है hmm. जो अल्लाह में स्पॉटलाइट रखता है ना hmm. तो अच्छे अच्छे बादशाह भी आकर बोले गए यार गुजरता है असलामैक्कुम यू नो जब स्पॉटलाइट निकलती है तो बच्चे पड़ा होता है फकीर भी जूता मार के चला जाता है द सेम थिंग दैट हैपेंड विद बुश वो प्रेसिडेंट था लेकिन जूता लगा उसको बहुत मजेदार जूता लगा उसको चलो थैंक यू सो मच मतीरा थैंक यू डार्लिंग फॉर कमिंग और बड़ा मजेदार पॉडकास्ट रहा आपके साथ थैंक यू पीस आउट ए टाइम